सबसे पहला नेक का मार्किंग करके काट देंगे, इसमें हम बोट नेक देंगे। बोट नेक 8 इंच का होता है, 2 में डिवाइड करेंगे यानी कि 4 इंच, 4 इंच में मार्किंग करेंगे हम इस तरह, आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई के लिए। फ्रंट का गला 5.5 रखेंगे हम, हल्का सा शेप ले लेंगे इस तरह। खाली फ्रंट के पल्ले को काटेंगे हम, ये वो फ्रंट का पल्ला हमारा, 1 इंच कम काटेंगे हम बैक के तरफ इस तरह। फ्रंट एफ बी बैक, अभी फ्यूजिंग काट लेंगे पहला हम। कच्चा सिलाई लगा देंगे हम फ्यूजिंग के ऊपर। जैसे 1.25 इंच छोड़ के नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे हम। ये फ्रंट का पल्ला हो गया हमारा, अभी बैक की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट बैक इसको कटिंग कर लेंगे हम। सवा इंच की बाहर निकाल देंगे, 1/4 इंच। इस तरह बैक का भी उसी तरह काटेंगे। सवा इंच इसको भी बाहर की तरफ। यो बैक फ्रंट का गल नेक, एक किनारी सिलाई लगा देंगे पहला हम। इसको रफ कपड़ा काट लेंगे इस तरह। आधा इंच का सिलाई लगा देंगे इधर।
अंदर का कच्चा कपड़ा काट लेंगे। हम इस साइड भी काटेंगे अंदर का। बैग भी इसी तरह तैयार कर लेंगे हम। इसी तरह रफ काट लेंगे, आधा इंच की सिलाई लगा दीजिए इधर ऊपर। ये भी इसी तरह काट लेंगे अंदर का कच्चा कपड़ा। ये हुआ, फेसिंग को नीचे रखेंगे हम। पहला फ्रंट बना लेंगे, एक दब सिलाई लगाएंगे नेक के पास। चटका लगा देंगे इस तरफ अंदर की तरफ। ऊपर से किनारे से लगा देंगे फ्रीजिंग के ऊपर। इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई लगा देंगे हम। ये फ्रंट का गला, बैक का गला भी इसी तरह बना लेंगे हम। एक दाब का सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर।
इसको भी अंदर की तरफ चटका लगा देंगे हम। फिजिंग के ऊपर एक किनारी से लगाएंगे।